यूक्रेन क्यों गए बच्चे मेडिकल पढ़ने के लिए, तो उसके पीछे आर्थिक स्थिति थी। लेकिन उससे भी आगे आप देखो, जब यूक्रेन के बच्चे पोलैंड पहुंचे, पोलैंड, और पोलैंड की सरकार ने वहां पलक पावड़े बिछा दिए। आप विपक्ष कहीं गलत फहमी में मत रहना, प्रधानमंत्री जी की वजह से पलक पावड़े बिछाए। मैं उनको धन्यवाद देना चाहूंगा, गुजरात के जामनगर के महाराजा दिग्विजय सिंह जी को, जिन्होंने दूसरे विश्व युद्ध में 1000 पोलिश बच्चों को अपने राज्य में पनाह दी, उनको शिक्षा दीक्षा दी, और आज पोलैंड के अंदर वहां की संसद में उनकी शपथ के साथ में शपथ ली जाती है, उनके नाम के साथ में शपथ ली जाती है। ये हमारे लिए बहुत गौरव की बात है, इसको भी पढ़ाया जाना चाहिए। मंत्री महोदय, मैं आपको वीडियो शेयर करूंगा वहां की पार्लियामेंट का, दिग्विजय सिंह जी, रणजीत सिंह जी, जाडेजा के नाम से शपथ ली जाती है, लेकिन हमारे देश के इतिहास में हम नहीं पढ़ाएंगे। मैं आपसे अनुरोध करना चाहूंगा कि आज अकबर महान हम पढ़ा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन बप्पा रावल 712 ईस्वी में जो हमारे ऊपर आक्रमण किया मोहम्मद मीर कासिम ने, और उस वक्त उन्होंने खदेड़ के भगा दिया था, और उन्होंने अपनी चौकी स्थापित की थी रावल, बप्पा रावल की चौकी, उसका नाम था पेडी, और पेडी से नाम पढ़ते पढ़ते रावल पिंडी हो गई है, क्योंकि वो बप्पा रावल द्वारा स्थापित की गई थी। उसके बारे में हम अनभिज्ञ हैं, तो मैं चाहूंगा कि ऐसे जो इतिहास के पन्नों में हमारा इतिहास, गौरवशाली इतिहास छुपा हुआ है, उसको हम किस तरह से हमारे इस युवा पीढ़ी को हम बता सकें। मैं ये भी चाहूंगा मंत्री महोदय आपसे, सभापति महोदय, कि भारत निर्माण के अंदर और भारत एकीकरण में जिन लोगों का योगदान रहा है, जिन रियासतों का योगदान रहा है, उनके इतिहास के बारे में भी हमें पढ़ाया जाना चाहिए। वो इंडिपेंडेंट थे उस वक्त, आजादी के वक्त वो जाओ जो चाहे जैसे रह सकते थे, लेकिन उन्होंने अपना सर्वस्व न्यौछावर इस राष्ट्र को कर दिया है, तो उनके इतिहास के बारे में भी पढ़ाया जाना चाहिए। सभापति महोदय, 1996 में जब मैं इसराइल गया था सरकार की तरफ से, और मेरे पिताश्री ने उस वक्त मुझे बताया था इसराइल जाए तो हाइफा जरूर जाके आना, और मैं हाइफा शहर गया, और वहां जाके जब पता किया तो हमारे जोधपुर के अदम्य साहस के धनी मेजर दर्पण सिंह जी की समाधि वहां थी। मैं वहां पुष्प अर्पित करके 1996 में आया था, और वहां की पाठ्य पुस्तकों में उस दर्पण, मेजर दर्पण सिंह जी के बारे में पढ़ाया जा रहा है। जब मैं जिला प्रमुख था तब शताब्दी वर्ष था पहले विश्व युद्ध का, मैंने बहुत ही शानदार तरीके से शहीदों के नाम से एक कार्यक्रम रखा था सभापति महोदय, और उसकी शुरुआत की, लेकिन अभी तक हमें इतिहास में जगह नहीं मिली। आज इसराइल सामरिक दृष्टि से